For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के सबसे बड़े शो ये है मोहब्बतें में। बीते दिनों चल रहे ट्रैक से तो ये साबित हो ही गया कि शो की मेकर एकता कपूर इसके ट्रैक को कभी भी कैसे भी मोड़ सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी साफ हो गया कि श्वेता और रमन का साथ अब कभी नहीं टूटने वाला। जब वो साथ नहीं है तब भी वो साथ ही रहते हैं, क्योंकि देखिए ना, इशिता को बचा भी तो रमन ने ही लिया। वहीं अब बात करें पिछले एपिसोड की, तो उसमें आपने देखा कि कैसे इशिता आ जाती है घर में वापस, जहां रमन उसे बोल देता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले और उसका घर खाली कर दे। बस ये सुनते ही इशिता के कान पक जाते हैं और वो टूट जाती है। साथ ही आपने ये भी देखा कि कैसे इशिता पीहू को ढूंढती है, लेकिन सिमी उसे भेज देती है एक अलग ही बोर्डिंग स्कूल में। साथ ही साथ आपने अभी तक शो में ये भी देख लिया है कि एक बार फिर से निखिल की वापसी हो चुकी है शो में, और इस बार भी वो अपने घिनौने मकसद के साथ ही आया है, और अब भी वो वैसा ही है। अब बता देते हैं अब आपको आगे के अपडेट के बारे में। सोर्सेस की माने तो अब शो में जल्दी टकराने वाले हैं निखिल और रूही, जिसके बाद निखिल को देख रूही का खून खौल जाएगा और वो सबको इसके बारे में बता भी देगी। हो सकता है कि फिर उसके बाद सारा शक पीहू को किडनैपिंग को लेकर उसके ऊपर ही जाए। और भी तमाम सीरियल अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।